आज की वीडियो हम करेंगे लेटर के से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड एसएससी सीजीएल के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है ना। देखो इससे पहले मैं ए से लेके जे तक तो सीरीज बना चुका हूँ, है ना, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते चलते हैं आज के वाले सीरीज पे। पहला वर्ड है मेरा किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन वो जगह होती है जहाँ पे छोटे छोटे क्यूट क्यूट गोल मटोल बच्चे 4 से 6 साल के पढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर किड्स यूजुअली 4 to 6 ईयर स्टडी, है ना, वो जगह जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 4 से 6 साल के बच्चे आके पढ़े। किंडरगार्टन तुमने देखा होगा यार, हल्का सा क्रैच टाइप का समझ लो, थोड़ा सा ना क्रैच से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। सेकंड वर्ड पे चले, सेकंड वर्ड है भाई किस्मत। अब ये हिंदी वाला ही किस्मत, अब आप मुझसे मत कहना कि सर ये वर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता, किस्मत तो हिंदी वर्ड है। भाई किस्मत इंग्लिश वर्ड भी है, किस्मत हिंदी वर्ड भी है। जो आप कहते हो मेरी तो किस्मत ही ऐसी लिखते शायद, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, वही वाला भाई। किस्मत क्या होता है, फेट या फॉर्च्यून, वही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जिस्ट करते हैं किस्मत वर्ड। तो क्या होता है, फेट और फॉर्च्यून, या मेरी किस्मत ही ख़राब है, भाग्य खराब है, जो आप कहते हो। बात समझ आ गई, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कुडोस। कुडोस होता भाई एक्सप्रेशन ऑफ प्रेस, किसी को भाई तारीफ करना, किसी की मतलब सराहना। जैसे आपने कहा, एक सेंटेंस बोलता हूँ, कुडोस टू द इंडियन टीम फॉर विनिंग द 2011 वर्ल्ड कप। तो इंडिया को आपने सराहा कि आपने, बहुत अच्छी बात है कि धोनी कप्तानी में आपने वानखेड़े में जो है वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उसे कहते हैं हम कुडोस। बात समझ आ गई। नेक्स्ट वर्ड है नॉटी। अब वो नॉटी वाला नहीं है, NAUGHTY वाला, तो शरारती, ये KN वाला है, ऐसे नॉटी ही प्रोनाउंस करते हैं, के साइलेंट होता है। डिफिकल्ट एंड इंट्रिकेट सिचुएशन, डिफिकल्ट एंड इंट्रिकेट सिचुएशन, जब आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जब आप फंस जाते हो। मान लो आपका ड्रीम है, आपने कहा मेरे को IAS बनना है, और फिर आपको ये भी पता है कि जो आप नौकरी कर रहे हो जिसमें आपकी 5 लाख सैलरी पर मंथ, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। भाई IAS बनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना खूब सारा, और नौकरी के साथ साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो आप फंस गए यार कि क्या IAS के लिए तैयारी करूँ जो मेरा ड्रीम है, या जो 5-6 लाख की जॉब चल रही है उसको कंटिन्यू करूँ। दोनों सिचुएशन एक जैसी लगती है, तो उसे कहते हैं नॉट ए डिफिकल्ट एंड इंट्रिकेट सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड है भाई कर्नल। अब ये कर्नल ना, वो वाला कर्नल मत समझना जो आपका आर्मी में होते हैं, वो तो स्पेलिंग होती है COLONEL, हाँ स्पेलिंग में आती, याद रखना COLONEL, वो कर्नल की स्पेलिंग होती है आर्मी वाले। एक कर्नल आपका साइंस में आता है, इसमें केमिस्ट्री में, है ना, जिसमें क्या होता है, वो एटम जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं। और इंग्लिश वाला कर्नल क्या है, इंग्लिश वाला कर्नल है भाई होल ग्रेन ऑफ सीरियल, अनाज का दाना एक कंप्लीट, उसे क्या कहते हैं कर्नल। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नॉल, KNOL, नॉल होता है भाई स्मॉल नेचुरल हिल, वो छोटी पहाड़ी जो कि अपने आप बन गई हो। देखो नेचुरल हिल है, छोटी सी पहाड़ी, माउंटेन बहुत बड़ा होता है, हिल की हाइट कम होती है, यही फर्क होता है हिल और माउंटेन में, कि हिल की हाइट जो है कम होती है, माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नेचुरल हिल जो अपने आप बन गए। नेचुरल तो मतलब ये कुदरती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेव होता है रास्कल, रास्कल होता है जो बंदा आपको धोखा दे, या फिर एक वर्ड वाले को डिसीटफुल, डिसीटफुल है ना, मान लो मैं तुम्हारे पैसे कहीं पर लगा दूँ और मैं तुम्हारे पैसे लेके भग जाऊँ, और तुम्हारे पैसों से मैं कर लूँ शादी। बात समझ नहीं आई, तो जो मैं तुम्हें धोखा दे के पैसे तुमसे ले लिए और वापस नहीं करे, तो उसे क्या कहते हैं रास्कल या डिफ्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नेल। नेल होता है साउंड ऑफ ए बेल रंग स्लोली टू अनाउंस द डेथ, अनाउंस द डेथ। भाई पुराने जमाने में क्या होता था कि वहाँ पे तो कुछ तो आपके पास थे नहीं गैजेट्स वगैरह कि आप फ़ोन करके बोल दो इसकी ये डेथ हो गई, यहाँ हो गई,
तो चुपचाप बैल इस तरह से बजाते थे बहुत धीरे धीरे, मतलब कि पूरे गांव को पता लगा था यार कहीं पे डेथ हुई है, तो सारे गांव वाले वहां पे पहुंच जाते। तो बात समझ आ गई नेल के होता है, साउंड ऑफ ए बैल रंग स्लोली टू अनाउंस द डेथ ऑफ समवन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नीड। नीड होता है यूज द हैंड्स टू मिक्स समथिंग एंड फॉर्म अ यूनिफॉर्म मास। भाई नीड होता है किसी चीज़ को हाथों से मिक्स करके और एक बड़ा सा मास बना देना। आटा गूंदा कभी आपने, मेरी वीडियो देख लेना, मैं उसमें सिखाया कैसे आटा गूंदते हैं। भाई पानी डालते हैं उसमें, आटे को ऐसे मिक्स करा, ऐसे करते रहे ऐसे करे करा और फिर ये कर दे, तो वो होता है भाई नीड होता है कि किसी चीज़ को हाथों से मिक्स करना और यूनिफॉर्म मास में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड पे चलिए, नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमैनियक। मैनिया होती है सनक, है ना। अच्छा क्लेप्टोमैनिया होता है डिज़ायर टू स्टिल, एन अर्ज और डिज़ायर टू स्टिल, चोरी करने की आदत होना, अर्ज और डिज़ायर टू स्टिल। अब एक बात समझो यार, जो क्लेप्टोमैनियक होते हैं ना, कि ये नहीं होता कि पैसों के लिए चोरी करते हैं, बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं क्लेप्टोमैनिया होता है इनको, बीमारी टाइप की भाई है। तो पैसा तो उनका खूब होता है भाई, आदत होती है, फितरत होती है बस कि चोरी करना, बस आदत नहीं हो बॉडी इस तरह से डेवलप होती है कि चोरी करने को चीज़, पैसों के लिए नहीं सब कुछ होता, अच्छा खा रहे अच्छा, पर आदत होती है। अच्छा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ चोरी करते क्योंकि सर सामान उठा के लिया या ली, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लेप्टोमैनिक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैंडल। कैंडल होता है कॉज टू स्टार्ट बर्निंग। अच्छा बर्निंग का मतलब ये मत समझना कि किसी चीज़ का जल जाना आपको हो कैंडल। बेटा एक सेंटेंस बोलता हूँ, द टीचर वॉज एबल टू कैंडल एंथुसियाज्म अमंग स्टूडेंट्स। तो कैंडल मतलब बेटा कोई ज्वाला भरना, कोई जोत जलाना, कोई एक पैशन भरना किसी चीज़ के लिए, एंथुसियाज्म कोई स्प्रिट डालना किसी बच्चे के अंदर। मान लो मैंने तुम्हें कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाई, कोई बहुत मोटिवेशनल कहानी सुना दी और तुम्हारे अंदर कोई अजी सडन सी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉज टू स्टार्ट बर्निंग। मतलब किसी का जल जाना, मतलब कि इसका वो डेवलप होना तुम्हारे अंदर, पॉजिटिव फीलिंग का डेवलप होना, इस कॉल्ड कैंडल बेटा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैन। कैन होता है रेंज ऑफ नॉलेज। मान लो आपने कोई मुझे बात बताई और मैं भूल गया, तो मैं क्या कहूँगा, दैट थिंग वेंट आउट ऑफ माई कैन, आउट ऑफ माई नॉलेज, मेरे दिमाग से उतर गई बात। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैन, मतलब जो भी आपकी मेमोरी है, जो भी आपके रेंज ऑफ नॉलेज है, जो भी आपका दायरा है, उससे बाहर हो जाना किसी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड कैन होता है रेंज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड है किनशिप। किनशिप होता है रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन, यानी एक तरह से आप बोलो कि यार फैमिली वाले। देखो ब्लड से कौन होते हैं, ब्लड वाले मतलब जो फैमिली वाले होते हैं, माँ बाप भाई बहन जो भी, मैरिज मतलब वाइफ हो गई, अडॉप्शन मतलब आपने कोई बच्चा का अडॉप्ट कर रखा है, तो सारे के सारे क्या आएंगे, किनशिप या फैमिली मेम्बर से बोलते हैं, या फिर रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है नेक। नेक एक NEC के होता है, नेक गर्दन, और ये भी नेक है, के साइलेंट होता है, अ स्पेशल वे ऑफ डूइंग समथिंग, अ स्पेशल वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ अलग तरीके से कोई चीज़ करना। बात समझ आई नहीं आई? देखो यार पढ़ाते तो सभी हैं, सारे के सारे टीचर हैं, सब मेहनत करके पढ़ाते हैं, कोई टीचर का अलग स्टाइल होता है, किसी टीचर का अलग, किसी टीचर का अलग, किसी टीचर का अलग, तो सब टीचरों को जो अलग अलग स्टाइल होता है, आप कहते हो द टीचर हैड अ स्पेशल लैक ऑफ टीचिंग, अ स्पेशल वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ अलग तरीके से करना, नॉर्मल रूटीन से हट के करना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, देखो ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइट, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, एक तरह से आप देखते हैं और तो दूसरा से आपको इमेज दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा नहीं जानना, देखो वो कैम में इतना बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्या होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नाइट।
नाइट देखो बेटा, नाइट होता है शूरवीर। नाइट के दो तीन मीनिंग तरह से बन सकते हैं। अगर आप मेडिवल मतलब मिडल एज में जाओ तो नाइट मतलब होता था योद्धा, यो वो योद्धा जो अपने उसका तलवार होती थी और अपने बॉस को प्रोटेक्ट करता था अपने राजा को, उसे कहते थे नाइट। कई जगह नाइट एक टाइटल भी होता है, नाइटहुड की उपाधि जो आती है, खाली एक टाइटल होता है जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है। कई जगह नाइट को बेटा ऐसे टाइटल भी इस्तेमाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नकल होता है राउंडेड प्रोमिनेंस, राउंडेड प्रोमिनेंस फॉर्म बाय टू एडजेसेंट बोन्स। देखो नकल होता है यार बेटा कि जैसे घुटना होता है, जैसे घुटना होता है एक बोन नीचे वाली होती है, अपर बोन होती है, मिला के घुटना बनता राउंड सा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड। या आप इस तरह से देखो, ये ऐसा है ना, एक यहाँ से एक आ रही है, यहाँ से एक आ रही है मिलके, दैट इज कॉल्ड नकल, राउंडेड प्रोमिनेंस फॉर्म बाय टू एडजेसेंट बोन्स। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड है कियोस्क, अ स्मॉल स्ट्रक्चर विद वन और मोर ओपनिंग used to vend merchandise। देखो यार, कोई स्मॉल ओपन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब कोई भी चीज़ बेची जाए, है ना। जैसे आपने मॉल वगैरह में गए हो यार, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एयरटेल वाले हैं, तो एयरटेल वालों को अपना स्टॉल सा नहीं तो खोखा टाइप का, अरे ऐसे से लगा होता है, एक तरफ चार तरफ से बंद होता, आगे उनके बैठे होते हैं पॉलिसी, या फिर LIC की पॉलिसी कर रहे होते हैं, देखा कभी मॉल में देखा हो, और रास्ते में ही बैठे रहते हैं यार, ठेला वो ऐसा लगा रखी होती है उन्होंने, आउटलेट कुछ होता है शायद, आउटलेट बेटर वर्ड है। आउटलेट में क्या होता है, एक तरफ से खुला होता है, चारों तरफ से अब वो कुछ बता रहे होते हैं आपको, LIC करा लो, ये करा लो। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कियोस्क, स्मॉल स्ट्रक्चर विद ओपनिंग यूज टू सेंड मर्चेंडाइज, मतलब कोई भी सामान। नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड है नैपसैक, अ सोल्जर बैग और हाइकर बैग। वो बैग जो हाइकर जो माउंटेन वगैरह पे चढ़ते हैं या फिर सोल्जर वगैरह चलते हैं ऐसे करके टांगते हैं, उससे क्या कहते हैं, नैपसैक। नेक्स्ट वर्ड पे चलें, नेक्स्ट वर्ड है कीनोट। कीनोट होता है अ सेंट्रल थिंग और प्रिवेलिंग नोट, प्रिवेलिंग नोट। थीम मतलब यार किस बारे में बात हो रही है, सेंट्रल थीम मतलब पूरी कहानी किस बारे में है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल थीम। या फिर प्रिवेलिंग नोट होता है, म्यूजिक में ना नोट्स होते हैं, तो वो वाला नोट समय कौन सा चल रहा है उसे क्या कहते हैं, की नोट। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट।